हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीम और आप देख रहे हैं टिकाओ टीवी। दोस्तों, ये कंडेंसर कॉइल है जो कि आज हम इसको सर्विस करने वाले हैं कास्टिक सोडा से। और ये कास्टिक सोडा आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अगर आसानी से आपको नहीं मिल पाता है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और इसके लिए आपको गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी। गर्म पानी को एक मतलब मग में कास्टिक सोडा और पानी लेके फिर उसके बाद कॉइल पे डालना होगा। तो आप देख रहे हैं ये किस तरीके से हमने गर्म पानी और कास्टिक सोडा की सहायता से बिल्कुल इसको क्लीन कर रहे हैं कंडेंसर कॉइल को। अगर इस कॉइल में हम जो एसी सर्विस का आता है केमिकल, अगर हम उसे यूज करते हैं तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, बिल्कुल बेकार रहेगा, क्योंकि वो धूल मिट्टी ये वो केमिकल होता है। इस कॉइल को साफ करने के लिए अगर आप उसको यूज करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी के अलावा जो किचन का ऑयल होता है वो भी मिक्स होता है इसमें, इस वजह से वो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें कास्टिक सोडा यूज करना ही पड़ेगा। और कास्टिक सोडा अगर आप डालते हैं इसमें तो ये मानिए कि आपको इसमें ब्रश वगैरह कुछ चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही सारा कुछ गर्म पानी और कास्टिक सोडा से ही बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और आप देख रहे हैं ये किस तरीके से जो अंदर कचड़ा इसका मतलब बैठा हुआ है वो बाहर आ रहा है झाग के ज़रिए। और कास्टिक सोडा यूज़ करते समय आपको ये भी ध्यान देना है कि ये इसका जो धुआं निकलता है वो हमारे नाक में ना जाए, अगर ये जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, आगे चल के बीमार भी हो सकते हो आप। और गर्म पानी में जैसे ही आप कास्टिक सोडा डालोगे तो ये उबलने लगता है। और ये भी ध्यान रखना है कि वो उबलता हुआ पानी अगर किसी के ऊपर पड़ जाता है जब भी बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है आपको, हो सकता है आपके हाथ में छाले पड़ जाए या जल जाए या कुछ और भी हो सकता है। दोस्तों, यह सोडा आपको राशन की दुकान पे भी मिल सकता है। अगर आपको राशन की दुकान पे या फिर और किसी शॉप पे अगर नहीं मिलता है, ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जो आपको शॉप पे मिलेगा राशन के या फिर और किसी शॉप पे, वो कास्टिक सोडा इस तरह का दिखेगा। और अगर आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो आपको ऑनलाइन जो पैकेट आता है वो इस तरह रहेगा। दोस्तों, कास्टिक सोडा यूज करने के लिए हमने आपको इस वीडियो में नहीं बता पाया कि कैसे कास्टिक सोडा मतलब यूज करना है, वो चीज़ हमने नहीं दिखा पाया, लेकिन ऐसे ही अगर मैं बताऊंगा आप करना चाहोगे तो हो जाएगा। कास्टिक सोडा यूज करने के लिए आप गर्म पानी आपको लेना है एक मग में, और उस मग में उतना कास्टिक सोडा डालें जितना कि उबलने लग जाए। जब उबलने लग जाए तो आप उसको यूज कर सकते हैं तुरंत के तुरंत। अगर लेट करेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, फिर वो ठीक से उतना वर्क नहीं करेगा जो आपका मिश्रण होगा कास्टिक सोडा और गर्म पानी का। तो उसको तुरंत को मतलब आपको यूज में लेना है। और ज़्यादा अगर कास्टिक सोडा आप डालेंगे तो ये जो एल्युमिनियम की जो इसमें परतें होती हैं कंडेंसर कॉइल में, ये जलने का भी डर रहता है, इस वजह से आपको हिसाब से ही यूज करना है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ खास उतना समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके वहां से आप पढ़ के जान सकते हैं कि हमें कास्टिक सोडा किस तरीके से यूज करना है।
और आप हमारी सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा जाके चेक किया करें कि उसमें क्या है कैसे है, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन में भी कुछ एक्स्ट्रा में बता देते हैं कि ये वीडियो किसके लिए है और हमें किस तरीके से काम करना है, क्या है, सारा कुछ हम डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी टाइप कर देते हैं, जो कि वो हिंदी में होता है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और वैसे आप तो जानते होंगे गैस चार्जिंग वगैरह, तो हर कोई जानता ही है कि गैस चार्जिंग कैसे किया जाता है, तो हमने इस वीडियो में गैस चार्जिंग के बारे में तो नहीं बताया, बस ये कंडेंसर कॉइल क्लीन कैसे किया जाता है इसके बारे में हमने बताया था। और आप देख सकते हैं कि हमने ये थोड़ा सा वीडियो और बनाया था कि ये भी बताने के लिए कि अगर आप गैस चार्जिंग करने जा रहे हैं तो जो डीप फ्रीजर होता है, चाहे वो स्टील बॉडी का हो या किसी और का भी हो, तो उसमें आपको फ़िल्टर वगैरह ड्रायर जो होता है वो ज़रूर चेंज करना है, और कंप्रेसर को कभी भी ऑन करें तो उसका एम्पियर मीटर जो कॉमन होता है उसमें लगा के जब कंप्रेसर ऑन करें, इससे आपको एम्पियर का पता चल जाएगा।